जी चलो, अगर ऐसे कुछ शॉर्ट बनाए तो कैसे बना सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ब्रह्मास का शॉर्ट है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्रिएट किया, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री चाहिए, तो ज्योमेट्री के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? सबसे पहले काम विंडो जनरल यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे देखें कंटेंट ब्राउजर में यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको करेक्टर मिल जाएगा। क्या आप करेक्टर, आप यहाँ पे एनिमल बाइपेड यहाँ पे कोई भी करेक्टर आप ऐसे ले सकते हो आप यहाँ पे। सपोज ऐसा मैंने कोई कुछ करेक्टर लिया यहाँ पे, ठीक है आया यहाँ पे। अब ये करेक्टर मैंने यहाँ पे दिया, इस करेक्टर के साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, सिंपल सा पार्ट पॉलिश पे लिया मैंने, आर फोर इसके लिए कितना बड़ा, चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या प्रोपोर्शन वाइज, प्रोपोर्शन वाइज लेके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज किया जाता है यहाँ पे। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, टॉप पे गए और देन यहाँ पे मैंने क्या सेट किया यहाँ पे, ठीक है कंट्रोल डी, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप फ्रंट में गए, यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को लाइक कंट्रोल डी अपने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल डी अपने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये दो पार्ट साथ मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो ले रखा है टॉप पे गए, ठीक है कंट्रोल डी करके यहाँ पे मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, अंदर की तरफ मैं सेट कर देता हूँ पे। ठीक है देख रहे हैं यहाँ पे, अभी फोर ब्रश कर दो आप यहाँ पे, ये दिख रहा है दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे बस इम्पैक्ट है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। दिस वन देखें यहाँ पे, मेरे पास अभी एफेक्ट्स में गए, एफेक्ट्स में इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में बस यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट है यहाँ पे। ठीक है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, फोर एंड फाइव यहाँ पे देखो। ठीक है अभी मैं माया सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, माया सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे कुछ देखें यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। अब इन चीज़ों को तो सर मुझे मैनेज करना है क्या? अगर मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ तो मैं कैसे इम्पैक्ट आ रहा है चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे, इज इट पॉसिबल? यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे था हर एक के, जैसे लाइटिंग में देख रहे हैं यहाँ पे, लाइटिंग में क्या यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे आपको देखेगा क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि लाइटिंग के एक्स्ट्रा एडवर्ट में कहाँ आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है दिस वन ये तो सीडर आपका आ गया यहाँ पे, सीडर से भी आप जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है लेकिन यहाँ पे एक लाइटिंग का एक और पार्ट भी है, आप इसमें देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि किस टाइप से चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे आया था मेरे पास यहाँ पे, यहाँ देखना यहाँ पे अभी आप यहाँ पे रेंडर करते हो, आपने यहाँ पे क्या किया आई पी आर काम करेगा क्या हमारे पास यहाँ पे? थिकनेस बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो लाइक ये यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है थिकनेस बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप चीज़ों को ग्लो इंटेंसिटी है, लाइट कलर है, लाइट कलर का आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आर जी बी है यहाँ पे। ठीक है रेड पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रेड बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है और बाकी को मैं यहाँ पे एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो रेड आपके पास ऐसे दिखा सकता हूँ आप यहाँ पे लिटिल बिट, आप ऐसे मैनेज करो आप यहाँ पे। ठीक है अब इसके अंदर एनिमेशन का भी पार्ट होता है कि आप यहाँ पे दिखा ना यहाँ पे ये चीज़ आपके पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो मैं किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो इतना पार्ट ठीक लग रहा है यहाँ पे। ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो क्या आप यहाँ पे? अगर चीज़ों को मैनेज करो, सपोज अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास ये आर्नोल्ड पे मेरे पास ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये भी क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने लाइट पे किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा आपका स्काई डोम है यहाँ पे, तो स्काई डोम लगा सकते हो आप यहाँ पे, देन लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, नहीं वो काम कर रहा, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपके यहाँ पे ये इसमें नहीं काम करेगा, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, माय सॉफ्टवेयर में आपको डील करना है। ठीक है अभी ऐसे करके चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, तो लाइक दिस सिंपल द पार्ट इफेक्ट्स पे गए, यहाँ पे मैंने लाइटिंग का इम्पैक्ट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैसेज करके इफेक्ट में गया लाइटिंग का इम्पैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है अभी यहाँ पे मैं देखूँगा सबका कलर कैसा है, कलर तो आपको यहाँ पे अलग अलग आना है। ठीक है आप चाहो तो उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे तो अभी आपको रेड पता चल गया, रेड में आपको ये पार्ट आपको ये ग्रीन एंड ब्लू आप यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ओपन करो आप यहाँ पे, ओके रेड आपने यहाँ पे कर दिया और देन ये पार्ट आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो।
तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए, लाइट डायरेक्शन लाइट यहाँ पे किया मैंने, ठीक है, और फ्रो स्केल सीन को तो था मैनेज करने में आना चाहिए क्या? अभी ये मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर को, जैसे मैं उस कैरेक्टर है सीन को हमने देखा, सीन में बस कैसा है कैरेक्टर कुछ स्टेप हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप पे कुछ नॉर्मल सा कुछ टेक्स्ट भी हम लोग लगा दें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लैम्बर्ट दे रखा है, यहाँ पे लैम्बर्ट में यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट उठा के लगा दोगे तो आप यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आप इस तरह से इम्पैक्ट देखिएगा किस टाइप से आप चीज़ों को ले सकते हो अगर आपको काम करना है। तो वहाँ पर इम्पैक्ट है, इसके साथ आप प्ले करोगे इसके अंदर एनिमेशन भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस जैसे हमने देखा है अभी थिकनेस का पार्ट था, तो थिकनेस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इन चीज़ पर थोड़ा सा तसली से काम करेंगे आराम से मैट के यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस बढ़ा दिया, मैक्स स्पीड है, स्पीड देखना अभी देखा स्पीड बढ़ा अभी अभी यहाँ पर, ठीक है। और थिकनेस को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम किया, मेक श्योर थोड़ा सा चीज़ देखोगे आप यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे मैंने कम किया और यहाँ पे बस है एंड है इंटेंसिटी है, ठीक है। ग्लो इंटेंसिटी यहाँ पे 0.5 है, आप चाहो तो उसे भी थोड़ा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको किस टाइप से काम करना है, चीज़ें किस टाइप से आपको मैनेज करना है। तो ये सीन्स को आपको बनाने के लिए लाइक ऐसे ही कुछ काम करना पड़ता है यहाँ पे, देखना अभी ये ऐसा कुछ पार्ट देखना अभी, फिर बाद में कंपोजिटिंग में इसमें ग्लो इम्पैक्ट और ऐड ऑन कर देते हैं, कि मेरे पास अगर कुछ ऐसा कुछ काम करना है बेस आपके यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, उसके बाद आप उसको अंदर जो ग्लो है किसी चीज़ को और बेटर दिखाना है तो आप चीज़ों को ऐसे दिखा सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि आपको आइडिया मिले कि अगर आप यहाँ पे काम करने वाले हो, ठीक है। तो मैक्स स्प्रेड यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी ये देखो आपको थोड़ा सा इसके बाद आपको प्ले करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ये देखना अभी ये देखो यहाँ पे, तो ये तो इररेगुलर शेप थोड़ा सा देखिएगा क्या, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके देखोगे तो उस टाइप से इम्पैक्ट आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ग्लो का पार्ट आपका दिखेगा तो ग्लो के पार्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहो, ठीक है। मैक्स स्पीड है यहाँ पे, लाइट इंटेंसिटी है और स्प्रेड को थोड़ा सा कम, ये मैंने किया थिकनेस को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी इन सब चीज़ों को एड ऑन करने का देखो ऐसा कुछ काम निकल जाता है, तो एक बेसिक सा आइडिया दिया कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो क्या।